सैटरडे को हमने क्या पढ़ा था? हिंदी पढ़ रहे थे ना, एट क्लास मेरी वॉइस आ रही है? विसर्ग संधि पढ़ रहे थे, है ना। विसर्ग संधि के अंदर अपन ने एक रूल्स पढ़ा था, है ना। कौन सा रूल्स था मीमांस, बोली? सर टू रूल्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से पढ़े थे? हाँ, है ना, बोलिए कौन कौन से रूल्स लिख लिए थे सर आपने? ये रूल्स लिख लिए थे, बोलिए। एक तो अपने पढ़ा था कि ये ना विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा कोई वर्ण या स्वर हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तन हो जाता है या ओ में चेंज हो जाता है। फिर अपन ने पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद स च और तालव्य स, स और च आए तो विसर्ग का तालव्य स है ना, स से संकर हो जाता है। यही पढ़ा था ना। चलिए पीएम नंबर थ्री, यदि विसर्ग के बाद सर आपके साथ लिखना है। नहीं लिखना नहीं है, अभी समझना है। पूरा रूल्स लिखूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद लिखना आपको, है ना। यदि विसर्ग के बाद, अब मैंने सैटरडे को बताया कि तीन स होते हैं, और स, ये इसको तालव्य स बोलते हैं, इसको मूर्धन्य और इसको दंजी, ये बोल दो, ये बोल दो ना। हाँ, है ना, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतीय स, है ना, तीन स होते हैं। तो ये जो स होता है इसका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य स इसका उच्चारण शुद्धा से होता है, इसको इस कारण इसको मूर्धन्य बोलते हैं, और इसका दंत से होता है, इस कारण इसको दंतीय स बोलते हैं। यदि विसर्ग के बाद त या दंतीय स, त या दंतीय स, दंतीय स कौन सा? इससे सड़क दंतीय स, तो विसर्ग स में हो जाता है आधा, अलग है ना, आधा स स में समझो इस रूल कि विसर्ग के बाद है ना, ये प्लस यहाँ आएगा विसर्ग के बाद और है ना, विसर्ग के बाद तो ये जो विसर्ग है इस आधे स में या दंत के स में चेंज हो जाएगा, है ना। विसर्ग के बाद में त या स तो स में परिवर्तित हो जाएगा, कैसे होगा एग्जाम्पल बता ठीक है। अब देखा मैंने ये एक तो सभी अपना वीडियो ऑन रखो, जो 8th क्लास वाले है ना, ये वीडियो ऑन रखो अपना, सभी वीडियो ऑन कर दो बेटा, सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए 8th क्लास।
राम रतन लक्षिता अपने वीडियो ऑन कर दीजिए वीडियो। हाँ है ना, पूरा प्लस सर एग्जाम्पल लिखा तो इसका क्या होगा, पूरा का पूरा अभी विसर्ग आ गया और विसर्ग के बाद में अपने नियम में क्या लिखा त या स, तो ये स है तो इस ये विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा, स विसर्ग किसमें चेंज हो जाएगा स में, ये मैंने लिखा आधा स और स शब्द सुन गया प्लस सर ठीक है, इस शब्द को लिखेंगे पुरुष सर। चलिए आगे मैंने लिखा नमः प्लस ते, क्या शब्द बनेगा, शब्द लिखा नमः प्लस ते क्या शब्द बनेगा, नमस्ते नमस्ते, ये विसर्ग का क्या होगा, ये स बन जाएगा आधा साधा सर को ऐसे लिखिए, शब्द बन जाएगा नमस्ते। फिर और एग्जाम्पल देखिए मनः प्लस ता, शब्द लिखा मैंने मनः प्लस ता क्या बनेगा, क्या बनेगा वो मनस्ता। हाँ मनस्ता शब्द लिखा मैंने नी प्लस ते, क्या लिखा नी प्लस ते क्या शब्द बनेगा, निस्तेज। हाँ शब्द बन जाएगा निस्तेज, ना इस विषय के ऊपर स हो जाएगा, क्यों होगा क्योंकि आगे त या स होना चाहिए, शब्द बन गया निस्तेज ठीक है। ये लिखिए अपने नोटबुक में, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। सर फर्स्ट लाइन में ये क्या लिखा है, यदि विसर्ग के बाद सर वीडियो ऑप्शन में अपना के बाद तो लिखा है सभी वीडियो ऑन रखे अपना ऑफ नहीं करेंगे वीडियो चलती क्लास में, सेकंड लाइन में क्या लिखा है सर, तो विसर्ग तो या तो अंत्य स हो तो अंत्य स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है।
हो गया सर, हो गया सबका, हो गया नो सर, थोड़ा सा जिसका हो जाता है वो अपना राइट हैंड कर देगा और बेटर ने वीडियो ऑन रखने गिर देगा। सर हो गया, सबका हो गया, अभी सबका नहीं हुआ। सबका हो गया, हाँ। ये नियम अब आपको आराम से समझ में आ गया। नियम में क्या था कि विसर्ग के बाद में ट या स दंत के स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। अपन ने पहले वाला नियम पढ़ा कि यदि विसर्ग के बाद में च या तालव्य स या संकर वाला स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। अब बचा एक और स जिसे मूर्धन्य स कहते हैं, जिसे आप स से षटकोण कहते हो, वो स कैसे चेंज होगा बेटा वीडियो ऑन रखना है। नियम नंबर फोर, ठीक है, नियम मैंने लिखा, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ स्वर हो, ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद उसके बाद क पद्म वर्ण है, उसके बाद क प और म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है या परिवर्तन हो जाता है। कैसे होगा? उदाहरण शब्द लिखा मैंने आवि प्लस कार, क्या लिखा? आवि प्लस कार
सब लिखा है चतुर्धनुपात, चतुर प्लस पात, और सब लिखा मैंने चतुर प्लस पच, चतुर प्लस पच, और सब लिखा मैंने वही धनका, वही प्लस का क्या बनेगा, आवी प्लस का क्या शब्द बनेगा बेटा? वीडियो ऑन करना है सबको, ये देखो एक राम रचित का वीडियो ऑन है, ऑन लिखो सब अपने वीडियो ऑन कीजिए पहले। अभी जो आपकी क्लास हो रही है ना, मैं लाइव इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो अपना ऑन होना चाहिए, ठीक है ना मेहमान? ऑन कीजिए। हाँ, शब्द बना आवि प्लस का, ये विसर्ग के बाद में क्या है नियम? विसर्ग के पहले ई या उ, हाँ नियम देखो, विसर्ग के पहले ई या उ, तो यहाँ ई है, इसमें उ है, उ है और ई है, तो और उसके बाद में क, प और म वर्ण, क प ग और क, ना कि म का उदाहरण लेगा, म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है ना, विसर्ग मूर्धन्य स में चेंज हो जाता है ना, स से सलगम में चेंज हो जाएगा, तो इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, आवि का आविष्कार का इस स को मूर्धन्य स है ना, ये आधा स और का सब बन गए आविष्कार, क्लियर? फिर लिखा मैंने चतु प्लस पा, शब्द बन जाएगा चतुष्पाद, ठीक है, शब्द लिखा मैंने चतु प्लस पद, क्या बनेगा? चतुष्पद, चतुष्पद, शब्द लिखा वही प्लस कार बन जाएगा बहिष्कार, बहिष्कार, हाँ लिखिए, ये लिख लीजिए, तो पहले के बाद क्या है फर्स्ट लाइन में? पहले ई या उ स्वर हो, बेटा वीडियो ऑन रखना है, आपके सबके वीडियो ऑफ हो गए, चलिए थर्ड लाइन में क के बाद क्या लिखा हुआ है? प म, एक और लिख दो क्या, प प ह और म, प भी लिख दो है ना, प का भी एग्जांपल दूंगा, प प म वर्ण, प प
उत्तर हो गया। हाँ, सबका होना है। सबका हो गया क्या? यस सर। लक्षिता आपका भी हो गया बेटा? राम रतन ने लक्षिता। यस सर। यस सर। चलिए अब मैं एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, वो आपको लिखने घर में एडिट करना है ना, किसी के और एग्जांपल लिखवा। सर फोर्थ नियम के। हाँ, फोर्थ नियम के एग्जांपल मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको बैठ के करनी है, ठीक है ना? शब्द लिखा मैंने मी प्लस कपट, ठीक है? मी प्लस पाप, ठीक है? सब लिखा मैंने, नी प्लस फल, सब लिखा मैंने। ये साथ साथ लिखने हैं क्या? नहीं, नी प्लस पक्ष और सब लिखा मैंने, तू प्लस कर्म, और लिखा मैंने नी प्लस काम, ठीक है? चलिए कितने ही? ये सर इनके आंसर अभी लिखने हैं या बाद में? बाद में लिखने हैं, ये आप लिख के रिमूव हो जाना, इतना नोट कर लीजिए फिर रिमूव हो जाए। सर नी प्लस पाथ है क्या ऊपर सेकंड में है? हाँ, नी प्लस पाथ। किसका हो जाता है गोली में हो जाएगा।